नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशोर ठाकुर, कच्छ गुजरात से। दोस्तों कैसे हूँ, आशा करता हूँ ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक वीडियोकॉन का CRT टीवी है, जो कि 14 इंच का फ्लैट टीवी है, 15 इंच का सॉरी, जो कि उसमें लो कॉन्ट्रास्ट है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहा है, आ रहा है जा रहा है, कभी आ रहा है, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आ गया। तो आखिर इसमें कहाँ पे दिक्कत है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और हमारी चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब मत जाना फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने की जो मेहनत करते हैं हम लोग, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो, क्योंकि ये फोल्ड इस किट में बहुत ही आती है, जो कि कोई कोई टेक्नीशियन से ये नहीं हो पाता है। ये बहुत ही सीक्रेट फोल्ड है, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे फोल्ड होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हो, ये वीडियो कॉन की है फ्लैट टीवी 15 की, जो कि ये बिल्कुल ही लो कॉन्ट्रास्ट में है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। और ये इसकी किट है, ये 21 इंच में भी लगती है, 20 इंच में भी लगती है, और ये 15 इंच में भी लगती है। इस किट में ये एक फोल्ड बहुत ही सीक्रेट फोल्ड है, तो चलिए देखते हैं आखिर इसमें दिक्कत कहाँ पे। ये देखते हो फ्रेंड, पूरा एकदम अभी लो हो गया है फिलहाल। ये कैमरे में तो अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही कम आ रहा है। तो चलिए अभी इसको वोल्ट मेजर करते हैं, आखिर कहाँ पे कौन सा वोल्ट है, क्योंकि ये ABL का प्रॉब्लम है। वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगी। जो जानते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन नया टेक्नीशियन रहते हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये ABL लाइन है, जो कि तकरीबन 1.5 वोल्ट के तकरीबन आ रहा है। ये लाइन यहाँ से होके फिर यहाँ आती है, यहाँ पे एक रजिस्टर और एक PF ग्राउंड होता है, कहीं कहीं में जंपर लगा रहता है। ये PF अगर शॉर्ट रहता है तो भी बिल्कुल लो कॉन्ट्रास्ट में चली जाएगी, लेकिन इसमें सब कुछ चेक करने के बाद मुझे एक फॉल्ट मिला है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। किट को अच्छी तरह से देख लेना फ्रेंड्स, सेम एक दूसरा किट रहता है जो कि इतना लंबा आता है, उसी में भी यही सेम प्रॉब्लम होता है। 9370 इसमें जो मेन आईसी रहता है, उसी में ये फॉल्ट बहुत ही होता है, और कई कई टेक्नीशियन से होता भी नहीं है। दोस्तों अब आप देखेंगे कि इसमें जो लो कॉन्ट्रास्ट का प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर दिया है, और इसमें क्या ख़राब था जो कि मैं आपको बता रहा था सीक्रेट है, काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो अभी देख सकते हो आप, फुल कॉन्ट्रास्ट अभी इसमें आ गया है। तो आखिर इसमें ख़राबी कहाँ पे थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो ABL की लाइन है, पहले 1.5 वोल्ट आ रहा था, तभी लो कॉन्ट्रास्ट में था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कितना, 1 वोल्ट भी नहीं आ रहा है, जो कि ना के बराबर वोल्ट है, आधा वोल्ट भी नहीं आ रहा है।
तब ये फुल कंट्रास्ट आ गया, ये वाली जो लाइन है फ्रेंड्स। मैं मीटर में जो वोल्ट मेजर कर रहा हूँ तो ये लाइन जो आती है यहाँ से ओके वाया ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ से, फिर यहाँ आती है और यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा रहता है, उसके ये वाली जो रहती है ये डायोड आप देख सकते हो। मैं इसको जूम करके भी दिखाऊँ, इसके एनोड में 2.5 वोल्ट आ रहा है, 2.5 वोल्ट आ रहा है, और इसके पॉजिटिव में जो 1.5 के तकरीबन वोल्ट आता है। जब इसको मैं जोड़ रहा हूँ तो कॉन्ट्रास्ट डाउन हो जाता है, जब इसको निकल रहा हूँ तो कॉन्ट्रास्ट हाई हो जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, जानते हैं उसके लिए तो ठीक है धन्यवाद, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहता है फ्रेंड्स। ये वाला डायोड जो होता है उसको पूरा अगर आप निकाल सकते हो तो निकाल भी सकते हो, और एक पॉइंट अगर आप निकाल लोगे तो भी कॉन्ट्रास्ट कंप्लीट फुल आ जाएगा। मैं पूरा जूम करके आपको दिखाऊंगा। इसको जब मैंने ओपन किया एक सिरा तो ये कॉन्ट्रास्ट एकदम कंप्लीट टीवी हो गया है, आप देख सकते हो, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये वाला जो जिनर है ये सामने जो एक सिरा जो ओपन किया हुआ है मैंने, यही डायोड है फ्रेंड्स। तो यही है सीक्रेट फोल्ड। तो फ्रेंड्स इसको मैंने टीवी कंप्लीट रेडी करके फिर पैक कर लिया हूँ, तो अभी इससे आप देखेंगे कि इसमें ये पिक्चर भी कंप्लीट आ गया है फ्रेंड्स। कभी भी आपके पास ऐसा फोल्ड है तो आप इस चैनल को निकाल सकते हो, निकाल के फिर आप रेडी कर सकते हो, क्योंकि ये फोल्ड बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरे पास आया तो मैं भी काफ़ी परेशान हुआ था, तब जाके मुझे ये फोल्ड मिला है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।